वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था जिसका जन्म लगभग सन 1460 में हुआ माना जाता है। वास्को डी गामा भी खोजकाल के अन्य यात्रियों की भांति एक ऐसा विद्वान था जिसने अपने समुद्री यात्रा के द्वारा भारत में आने वाली समुद्री मार्ग की खोज की थी। अन्य यूरोपीय देशों की भांति पुर्तगाल भी अपने नाविकों को आर्थिक सहायता देकर नए समुद्री मार्गों की खोज के लिए अलग अलग देशों में भेजा करता था। वास्को डी गामा को वहां के राजा ने हर संभव सहायता देकर भारत की यात्रा के लिए समुद्री मार्ग से जाने के लिए भेजा था। वास्को डी गामा एक साहसिक यात्री था जिसने ही सर्वप्रथम यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा की यात्राएं। वास्को डी गामा पुर्तगाल के टेगस बंदरगाह से 8 जुलाई 1497 को भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने के उद्देश्य से रवाना हुआ। 20 दिन की यात्रा के बाद वह केप वर्ड द्वीप पर पहुंचा, जहां से वह अपने सहयोगियों के साथ दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के समुद्र तट पर स्थित उत्तमासा अंतरीप तक चला गया। उत्तमासा अंतरीप से उसने हिंद महासागर में प्रवेश किया और जंजीबार होता हुआ अरब सागर को पार कर सन 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर वहां सर्वप्रथम पुर्तगालियों के पहुंचने का श्रेय प्राप्त किया। भारत में 3 महीने रुकने के बाद वास्को डी गामा वापिस समुद्री मार्ग से होता हुआ 10 जुलाई 1499 को पुर्तगाल चला गया। वास्को डी गामा ही वह प्रथम यात्री था जिसने नाव के द्वारा समुद्री मार्ग से भारत की यात्रा की थी। उनके बाद यूरोप से भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज हुई। इसी समुद्री मार्ग के द्वारा यूरोप की अनेक जातियां डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ब्रिटिश आदि भारत तथा अन्य पूर्वी देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए तथा धीरे धीरे भारत सहित यहाँ के देशों में अपने अपने उपनिवेशों की स्थापना की। अतः वास्को डी गामा द्वारा खोजा गया समुद्री मार्ग ही प्रमुख रूप से पूर्वी देशों में उपनिवेशों की स्थापना का प्रमुख कारण बना। वास्को डी गामा एक साहसिक यात्री था जिसने अनेक प्राकृतिक कठिनाइयों का सामना करते हुए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी और जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।